खानदान की इज्जत का ख्याल नहीं किया तुमने? स्वेत, अरे कौन पूछेगा ऐसी लड़कियों को? थूक के गया है वो तुम्हारे मुंह पे। किया था परसों इंतजार, होटल में रूम नहीं मिला तो पूरी रात लॉबी में था। कल भी किया था, वो मेरे पास चार्जर नहीं था तो मोबाइल की चार्जिंग खत्म हो गई थी। होटल में चार्जर नहीं होता क्या? मामू मतलब ये है कि उसे घर और गाड़ी मिली है दुबई में, और वो 5 साल तक पाकिस्तान नहीं आ सकता और ना ही शादी कर सकता है। ये उसकी नौकरी की शरायत है। तुम कासिम के बारे में किसी से भी झूठ बोलोगे ना तो कोई यकीन नहीं करेगा। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो। नहीं सुननी तुम्हारी कोई बकवास। सितारा अब तुम बदतमीजी कर रही हो। ओके तुम खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम मेरे सामने नहीं, वरना तुम्हें बताती कि बदतमीजी होती क्या है। क्या कह रही थी तुम हैं? कि सामने होता तो बताती। लो मैं आ गया हूँ सामने। जरा बताओ मुझे कि बदतमीजी क्या होती है। सारा शर्म नहीं आती इतना नीचे गिरते हुए? तुम इसकी दौलत पर मर मिटी हो, तुम इसके साथ हो। ये झूठ है कासिम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ना होता ना तो तुम इसकी गाड़ी से ना उतरती। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें देखने आई थी। मैं ये देखने आई थी कि ये जो बोल रहे वो झूठ है और तुमने जो कहा था वो सच है। तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे लिए आ जाऊंगा, लेकिन तब जब मैं इतने पैसे कमा सकूं कि तुम्हारे चाहने वालों का मुकाबला कर सकूं। I'm not afraid to die.
तेरी सांसें उखड़ने की जो रिश्ता तुम बहुत चाहता हूँ आपको किस जुर्म का बदला लेता है तू मेरी आंखों में आपको प्यार नजर नहीं आता क्या दिल सोच के रोता तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि मेरे रास्ते मत भटका करो मैं मजीद कोई बदनामी अपने सर नहीं ले सकती तुम्हारी वजह से तोड़ा है मेरा बेवजह दिल तोड़ा है मेरा तेरे दो लफ्जों ने तबाह किया नादानियों ने यूं फना है किया ऐसा क्यों है किया बेरहम सारी दुनिया के सामने मेरा तमाशा बना के तुम्हें कितनी नफलों का सवाब मिलता है बताओ जो गिरी है वो मेरी जजा है इरादा है खुदाया जो तेरी रजा है मगर ये है गुजारिश से जो गिरी है वो मेरी जजा है इरादा है खुदाया जो तेरी रजा है जो तेरी रजा है ये जिस दोज़ख में आपने मुझे धकेला है मेरे जी मुझसे नहीं जिया जाएगा